मर्डर मिस्ट्री फिल्में देखने में काफी मजा आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कहानी का हर पहलू आपको सोचने पर यह मजबूर कर देगा कि ये कब और कैसे हुआ। आज हम आपको कुछ ऐसी ही फिल्मों के नाम बताएंगे जिसे देखकर आपके पसीने छूट जाएंगे। तलवार। तलवार आरुषि हत्याकांड की जांच के इर्द गिर्द घूमती है। इसे नोएडा डबल मर्डर केस के नाम से भी जाना जाता है। ये 2008 में भारत की राजधानी दिल्ली से सटे शहर में हुआ था। घटना ने सबको हिलाकर रख दिया था। आप इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकती हैं। दृश्यम। अजय देवगन स्टारर फिल्म आपको हर एक मोड़ पर जबरदस्त ट्विस्ट देगा। आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि ये वाला पार्ट कब और कैसे हो गया। इस ब्लॉकबस्टर मूवी को आप जियो सिनेमा पर देख सकते हैं। नो वन किल्ड जेसिका साल 2011 में रिलीज हुई थी। क्राइम ड्रामा फिल्म जेसिका लाल हत्याकांड पर आधारित है। आप इसे नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं। रात अकेली है। हनी त्रेहन की ओर से निर्देशित रात अकेली है फिल्म एक थ्रिलर ड्रामा है जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राधिका आप्टे, श्वेता त्रिपाठी ने जबरदस्त एक्टिंग की है। इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। कहानी। विद्या बालन स्टारर फिल्म कहानी को आप जियो सिनेमा पर एंजॉय कर सकते हैं। मूवी एक गर्भवती महिला के बारे में है जो दुर्गा पूजा के त्योहार के दौरान कोलकाता में अपने लापता पति की तलाश कर रही होती है। इसे आप जियो सिनेमा पर देख सकते हैं। तलाश। आमिर खान, करीना कपूर खान और रानी मुखर्जी स्टारर। तलाश की कहानी एक फिल्म स्टार की मौत की जांच करता है और उसे झूठ और विश्वासघात का जाल मिलता है। इसे आप OTT प्लेटफॉर्म G5 पर देख सकते हैं। फिल्मों और टीवी दुनिया से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।